सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब मुख्यमंत्री ने ही खेत जोत डाला, यही नहीं खेत जोत कर बीज भी बो डाले। चलिए क्या है पूरा मामला, देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल ये घटना छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक अलग ही अंदाज में खुद ट्रैक्टर चलाया और खेत की जुताई की। इसी के साथ उसने दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें भी शामिल होकर किसानों के लिए बड़ी बात कही। आपको बताना चाहेंगे, मौके पर ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांव की माटी, देवी देवताओं और ठाकुर देव की पूजा की और साथ में यहाँ पर बीज बुवाई का संस्करण के भी दोस्तों पूरा प्रोसेस जो यहाँ पर गांव के तहत लौकी, सेम और तोराई के बीज भी बो डाले। आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने अच्छी फसल की कामना के लिए धरती की पूजा की है और साथ में गौ माता को भी चारा खिलाया है। उन्होंने कहा है कि 70-80% किसान जो है लोग इस प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं और राज्य की सबसे ज़्यादा कृषि प्रधानता होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसानों के लिए प्रकृति से बहुत कुछ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में कृषक सभागार भवन, इसके अलावा महात्मा गांधी उद्यानिकी, नवनिर्मित क्लस्टर क्लासरूम भवन और विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है। कृषकों को उन्होंने संबोधित किया, जिस प्रकार स्वास्थ्य की चिंता लोग करते हैं वैसे ही धरती की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जब प्रकृति की मार होती है, बेमौसम बरसात होती है, भयंकर ओलावृष्टि होती है, किसान की पूरी फसल नष्ट हो जाती है तो किसान भी रोने लगते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को उस योजना के बारे में भी याद दिलाया जब उनका मजाक बना था कि छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदेगी। हालांकि प्रारंभ में उनका मजाक बना था, लेकिन आज 3.5 लाख किसान गोबर बेच रहे हैं और जिनके खाते में 250 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इसी खाद का उपयोग सरकार जैविक खाद के रूप में तैयार करती है और किसानों को इसका फुल सपोर्ट मिलता है और उनकी आय भी दोगुनी होती है, फसल भी दोगुनी होती है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई है कि आने वाली पीढ़ी के लिए साफ पानी हो और शुद्ध हवा बचे, इसलिए प्रकृति के साथ लगाव होना चाहिए, साथ में फसलों के लिए जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। आपको ये मुख्यमंत्री का कदम कैसा लगा?